हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो जो मेरा स्टेट मैनेजमेंट का था उसमें से काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वीडियो अच्छा था। चलो बढ़िया। और ये सुन के ना मतलब मज़ा आ गया सच्ची में। खुशी हुई सुन के कि मतलब काफ़ी लोगों को जो स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, पर मेरा जो वीडियो था वो सबको मतलब जिस जिस को भी डिफिकल्ट हो रहा था उसको थोड़ा मतलब मदद हो गया समझने की क्या है आखिर में। तो चलो बढ़िया। तो उसी तरह आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर असिंक एंड अवेट। तो ये तीनों क्या है? तो इसमें जाने से पहले फ्यूचर असिंक एंड अवेट में जाने से पहले कुछ कंसेप्ट जो है उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। मान लो आप दोस्तों के साथ जा रहे हो किसी होटल में खाने के लिए। जैसे वहाँ पे बैठोगे होटल में और हमारे वेटर भाई आएगा और आपको पूछेगा सर आप क्या लेना चाहेंगे। तब ये बोलोगे भाई कुछ अच्छा खिला दे, जैसे कि मोमो हो गया, कुछ भी हो यार, मतलब खाने के जो पसंद वाली चीज़ हो ना आप वो ऑर्डर करोगे, ठीक है? जैसे वो ऑर्डर करोगे वो वेटर भाई क्या करेगा, दूसरे टेबल पे जाएगा। ध्यान दो इस चीज़ को, वो क्या करेगा, दूसरे टेबल पे जाएगा, वो आपके लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है, कि कब आपका खाना पकेगा फिर आपके लिए खाना लेके आएगा। वो क्या करेगा, दूसरे टेबल पे जाएगा दूसरे जन के ऑर्डर लेने के लिए। फिर वो क्या करेगा, वहाँ से ऑर्डर लेके फिर तीसरे टेबल पे जाएगा। जब तक आपका खाना नहीं पकेगा तब तक वो क्या करेगा, अपना ऑर्डर लेता जाएगा। जैसे उसका आपका खाना पक जाएगा वो क्या करेगा, मतलब आपका फूड रेडी, जैसे ही रेडी हो जाएगा वो क्या करेगा, वहाँ से वो आपका जो फूड होगा वो वहाँ से लेके आएगा, आपको सर्व करेगा, ठीक है? मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा आपके लिए। मतलब खाने के कब तक खाना कब खाना रेडी होगा या ना होगा उसे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना ऑर्डर लेता रहेगा। हाँ, ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा असिंक, यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फूड है या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो अपना ऑर्डर काम करता जाएगा करता जाएगा। जैसे खाना पकेगा फिर से वो क्या करेगा, खाना लेके जाएगा सर्व करता जाएगा। तो ये हो गया हमारा असिंक्रनस, ठीक है? इसको बोलते हैं असिंक, यानी वो किसी के लिए रुकेगा नहीं, वो अपना काम करता जाएगा चाहे हो या ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको बोल देंगे असिंक्रनस। और सिंक्रनस क्या है? तो मान लो सिंक्रनस, मान लो कि आप दोस्तों के साथ ना एक फिल्म हॉल में गए फिल्म देखने के लिए, ठीक है? वहाँ पे गए फिल्म हॉल में फिल्म देखने के लिए, और जैसे ही वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाओगे वो टिकट काउंटर वाले को देखोगे आप क्या करेगा, जैसे आप जाओगे वहाँ पे आप टिकट लोगे फिर वहाँ से निकलोगे, ठीक है? मतलब आपका काम कंप्लीट होके आप निकलोगे वहाँ से, फिर आपका दोस्त आएगा चाहे दूसरे लोग आएंगे वहाँ पे, वो टिकट लेगा वो जाएगा, यानी एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है। ध्यान दो इस चीज़ को, एक टाइम पे वो क्या कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। मतलब आपका टिकट ले रहा है, आपका कटिंग कर रहा है, टिकट पैसे पे करोगे फिर आपको टिकट देगा खत्म, उसके बाद आप निकलोगे वहाँ से, फिर दूसरे जन आएगा सेम चीज़ वो ये प्रोसेस करेगा फिर हो जाएगा। वो हो गया आपका सिंक्रनस, यानी मतलब एक टाइम पे सिर्फ वो एक ही काम करेगा, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर जाएगा दूसरे काम पे, ठीक है? तो सिंक्रनस और असिंक्रनस में यही है। सिंक्रनस में क्या है कि एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है, ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो गया तो दूसरे पे जाएगा। सिंक्रनस मतलब क्या है, वो कंप्लीट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, वो दूसरे में चला जाएगा, ठीक है? वो मतलब जब तक हो रहा है तो होने दो, उससे फर्क पड़ने नहीं वाला उसको, मतलब दूसरे काम पे चले जाओ फिर तीसरे काम पे चले जाओ, इसका मतलब हो गया असिंक्रनस। तो चलो ज़्यादा ओवरव्यू हो गया, तो चलो चलते हैं कोडिंग की तरफ, वहाँ पे दिखती है और क्या चीज़ है। मैंने पहले से ही प्रोजेक्ट रन करके देख चुका हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, मेन है, और मेन पे हमेशा की तरह असिंक अवेट स्क्रीन है। इसको खोलूँगा तो हमारे पास ये स्क्रीन आ रहा है, वैसे हमेशा की तरह सेम एप बार पे टाइटल है, कॉलम ले लिया हूँ, और एक छोटा सा एलिवेटेड बटन जो कि सेंटर पे है यहाँ पे हमारे पास। और ये साइड में क्या है, तो ये साइड में डिबग कंसोल है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो डिबग कंसोल था इसको मैंने उठा के यहाँ पे राइट साइड में रख दिया ताकि आप लोग को जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वो यहाँ पे दिखे अच्छे से। अब नीचे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है? चलो बढ़िया। तो ये हो गया हमारे एलिवेटेड बटन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा, जैसे मैं ये क्लिक मी, ये टेक्स्ट है, एलिवेटेड बटन है यहाँ पे, क्लिक मी है, इसको क्लिक करने पर कुछ हो, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ये एलिवेटेड बटन है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो ये फंक्शन को कॉल करेगा, चाहे मेथड आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। तो हम फंक्शन एक बनाएंगे, फंक्शन चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो या तो ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन चाहे माई मेथड, ठीक है? ये हो गया। और मेरे पास पहले से एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दिया प्रिंट, और फिर से तो इसको क्या करता हूँ टास्क टू और इसको टास्क थ्री, ठीक है? और ये माई फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसके नीचे सेम मारा। अभी देखो इसको क्लियर करता हूँ
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक मी को क्लिक मारूंगा, ठीक है। क्लिक मी को क्लिक मारा, ये क्या हुआ देखो, टेस्ट टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री कंप्लीटेड, यानी तीनों लाइन बाय लाइन आ रहा है। मतलब समझ रहे हो ना कि टास्क वन पहले हो गया, फिर टास्क टू हो गया, फिर टास्क थ्री हो गया, यानी टास्क वन को इसने पहले कंप्लीट किया, ठीक है, फिर टास्क टू को कंप्लीट किया, फिर टास्क थ्री को कंप्लीट किया, यानी ये हो गया सिंक्रनस। समझ रहे हो ना, ये हो गया आपका सिंक्रनस। जब तक ये टास्क वन कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरे में नहीं जा रहा, टास्क वन को कंप्लीट करके ही जा रहा है टास्क टू में, फिर जा रहा है टास्क थ्री में, ये हो गया हमारा सिंक्रनस। उसी तरह से असिंक्रनस क्या है, तो असिंक्रनस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नीचे जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि एक और फंक्शन बनाऊँ, तो यहाँ लिखता हूँ वन मोर फंक्शन। और ये जो टास्क टू है इसको उठा के क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। और जो वन मोर फंक्शन है यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। सेम आर एग्जैक्टली सेम वही है। देखो अगर मैं इसको रिस्टार्ट मारूँ और फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक में क्लिक मारूंगा, सेम वही आएगा टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, क्योंकि सेम वही चीज़ है। टास्क वन पहले कंप्लीट हो गया, फिर ये फंक्शन में जा रहा है, तो ये फंक्शन में यहाँ पे टास्क टू है, तो इसलिए टास्क टू कंप्लीट हो गया और टास्क थ्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये चलो ये बढ़िया हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टास्क टू है ना, इसमें थोड़ा डीला हो, ठीक है, मतलब थोड़ा लेट हो। तो थोड़ा लेट होने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा फ्यूचर डॉट डीले, ठीक है, ऐसे डिलेट। और डिलेट क्या ले रहा है, तो डिलेट हमारा ले रहा है एक ड्यूरेशन ले रहा है और दूसरा फंक्शन ले रहा है। तो हम चलो हम ड्यूरेशन ले लेते हैं, ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेकेंड्स अभी के लिए 5। और यहाँ पे एक और फंक्शन था, राइट, तो फंक्शन, फंक्शन। और ये टास्क टू को क्या करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगा, और इसको, सॉरी ये उल्टा हो गया, और इसको क्या करूँगा यहाँ से कॉन्स्ट से मारा। अभी देखो ये क्या होगा, इसको फिर से मैं क्लिक में मारूंगा, तो ये क्या हो रहा है, देखो टास्क वन, टास्क थ्री हो रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है वन वन फंक्शन पे, ये टास्क टू पे जा रहा है, ठीक है, यानी टास्क टू लास्ट में कंप्लीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्यूचर डॉट डिलीट लगा दिया, ठीक है, यानी ये वन मोर फंक्शन क्या हो रहा है, पहले ये टास्क वन कंप्लीट हो गया, फिर जा रहा है वन मोर फंक्शन पे, और वन मोर फंक्शन पे क्या है, टास्क टू है, ठीक है, पर मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ, ड्यूरेशन सेकंड्स कितने 5 सेकंड्स, इसको डिले कर दिया हूँ, इसलिए वो क्या कर रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है, वो जा रहा है टास्क थ्री पे, और उसके बाद ये 5 सेकंड्स के बाद ये कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है टास्क टू पे, तो इसलिए यहाँ पे टास्क वन, टास्क थ्री और टास्क टू प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा सिंक्रनस। अब असिंक्रनस क्या है, तो मान लो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि एसिंक्रनस के लिए मैं असिंक लगाऊंगा, चलो ये ठीक है, और इसके नीचे एक और फ्यूचर लगाऊंगा, और इसको क्या करता हूँ सेकेंड्स टू करूँगा। अब मुझे बताओ इसमें प्रिंट पहले क्या क्या होगा, एसिंक्रनस का मीनिंग जान चुके हो ना, तो इसमें प्रिंट पहले क्या क्या होगा, तो मैं बताऊँगा। देखो प्रिंट क्या होगा, पहले टास्क वन कंप्लीट होगा, और इसको टास्क ये 5 सेकेंड्स ले रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको टास्क 5 बना देता हूँ, अब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें प्रिंट क्या होगा पहले, तो इसमें प्रिंट ये होगा कि टास्क वन पहले कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर यह जाएगा वन मोर फंक्शन पे, वन मोर फंक्शन यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया असिंक्रनस, यानी असिंक्रनस मतलब ये दोनों टास्क शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों टास्क शुरू हो जाएगा, पर ये तो सिंक्रनस है, ये तो रुकने वाला नहीं है इन लोगों के पास, तो ये कहाँ पर जाएगा, टास्क थ्री पर जाएगा, और उसके बाद टास्क थ्री आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा एसिंक्रनस, और एसिंक्रनस में मैंने बोला था रुकने वाला नहीं है, तो ये दोनों शुरू हो जाएगा, टास्क फाइव भी और टास्क टू दोनों शुरू हो जाएगा। पर टास्क टू तो सिर्फ 2 सेकंड ले रहा है, तो पहले टास्क टू प्रिंट होगा, फिर टास्क फाइव प्रिंट होगा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने इसको क्लिक मारा, देखो टास्क वन, टास्क थ्री हो गया, उसके बाद देखो टास्क टू हो रहा है, उसके बाद टास्क फाइव आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब ये हो गया असिंक्रनस, मतलब वेट नहीं करेगा, ठीक है, ये अपना काम करता जाएगा, ये हो गया असिंक्रनस। तो अवेट का मीनिंग क्या है, अभी तो देखो यहाँ पे अवेट का मीनिंग ये है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम यहीं पे रुको, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम यहाँ पे रुको। अब जब तक ये टास्क फाइव कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब अवेट है। तो ये अवेट और असिंक कहाँ पे काम लगता है, जैसे हमारा API हो गया, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट्स है और हम API से फेच कर रहे हैं, तभी हम असिंक और अवेट लगाएंगे, यानी जब तक वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो, जब तक इम्पोर्ट ना हो जाए, जब तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में ना जाए, तब तक तुम यहीं पे रुको,
ठीक है, उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, असिंक अवेट लगाएंगे। तो चलो देखते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे गया और हमारा क्लिक मी, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टास्क वन आ गया, टास्क थ्री आ गया, अब क्या आएगा, अब टास्क फाइव आएगा, उसके बाद 2 सेकंड के बाद अब आएगा टास्क टू, समझ रहे हो ना। मतलब असिंक और अवेट मतलब क्या हो गया, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तो तुमको यहीं तक रुकना है, उसके आगे बढ़ना नहीं। अब ये हो गया कंप्लीट, उसके बाद आगे जाओ, और आगे में भी फिर से मैंने अवेट लगाया, मतलब ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा असिंक अवेट और फ्यूचर का। फ्यूचर यहाँ पे हो गया जो डिले करने के लिए लगाते, और असिंक मतलब रुकना, और रुकना नहीं चाहिए, काम मतलब होना ही चाहिए, और सिंक्रोनस मतलब एक के बाद दूसरा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अवेट मतलब क्या, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुमको यहीं पे रुकना है, कंप्लीट होगा तो आगे बढ़ो, नहीं होगा तो यहीं पे रुको। तो यही कॉन्सेप्ट था असिंक अवेट और फ्यूचर का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।